मिर्जापुर में बाल विवाह का शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 8वीं क्लास में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की की शादी 40 वर्षीय अधेड़ से की जा रही थी। समाज को शर्मसार कर देने वाला ये मामला लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटा घाट बिजरी गांव का है। गांव में बाल विवाह होने की जानकारी होते ही जिला प्रोबेशन अधिकारी दलबल के साथ गांव में पहुंच गई और पूछताछ के बाद कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। प्रोबेशन अधिकारी ने बताया कि सीतापुर जनपद के सुदूर इलाके से मिर्जापुर के बिजरी ग्राम में बारात आई थी, जहां 12 वर्षीय आदिवासी लड़की का विवाह 40 वर्षीय भानु शुक्ला से किया जा रहा था। उन्होंने ये भी कहा कि शादी के बदले लड़की के परिजनों को 1,00,000 रुपए दिए गए थे। ये मामला जो है वो हम लोगों को एक मुखबिर की गई थी, किसी ने फ़ोन के ज़रिए बताया कि बिजरी गांव में एक बाल विवाह हो रहा है और उस पर त्वरित कार्रवाई जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कराई गई, जो शक्ति त्रिपाठी नाम है मेरा। और हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो उस वहाँ पे हम लोग ने ये पाया कि लड़की जो है उसकी उम्र 12-13 साल है, कक्षा 8 की छात्रा है, और उसको इसके बारे में पता भी नहीं कि उसकी शादी कहाँ की जा रही है, कैसा है। और जो शादी करने वाले जो लड़के पक्ष हैं वो सीतापुर नेपाल बॉर्डर के रहने वाले हैं, 8-10 लोग वहाँ से आए हैं, और लड़के की उम्र 38-40 साल के लगभग है। हाँ, लड़के की उम्र। और ये पूरी तरह से बाल विवाह था, पर एक इसमें ये भी पक्ष आ रहा है कि शायद ये बाल विवाह की आड़ में एक मानव तस्करी जैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो गांव वालों का ये भी कहना है कि ये कोल जाति के हैं, और जो लड़के वाले हैं वो उन्होंने अपना नाम शुक्ला बताया, जो लड़के का नाम है भानु शुक्ला है, और उनके पिता का नाम भी इसी तरह है। और मेन चीज़ ये था कि मानव तस्करी जैसा रूप इसमें ये और देखने को मिला, जो गांव वालों ने बताया कि 1,00,000 रुपये में ये शायद खरीद फरोख्त हो रही है, जिसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाते हुए एक बच्ची की पूरी ज़िंदगी तबाह होने से बचाई। माता पिता बता रहे थे कोल जात को भी हैं, लेकिन आप बता रहे हैं पंडित हैं। हाँ, उन्होंने जो हम लोगों को बयान दिया है उसमें उन्होंने यही बताया कि उस लड़के का नाम भानु शुक्ला बताया है उसने अपना, और ये यही सारी चीज़ें, ये बिजरी गांव कोटा घाट लालगंज का मामला है। तो क्या इसके पहले और ऐसा कोई मामला पूछताछ में पता चला कि पहले भी कुछ लड़कियाँ गई हैं ऐसा क्या? हाँ, ऐसे प्रकरण सामने तो आ रहे थे, पर उतनी खबर नहीं मिल रही थी। पर आज हम लोगों ने इसको तुरंत संज्ञान में लेके तुरंत कार्रवाई करी, तो ये मामला पूरी तरह से आया, और इसमें समझ में आया कि छोटी बच्चियों से शादी करा के बच्चियों के साथ क्या होता है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर, क्योंकि मिर्जापुर की लड़की सीतापुर नेपाल बॉर्डर तक जा रही है, और जो लड़के लोग पक्ष वाले हैं उसमें एक भी लड़की या महिला कोई भी नहीं मिली हमें। 10-12 के जो लड़के आए हैं बारात पक्ष में सीतापुर से, उसमें किसी भी लड़की से शादी जैसा तो यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या मुकदमा दर्ज कर लिया क्या? अभी प्रक्रिया चल रही है, जो इसके आरोपी उनको जेल में डाल दिया गया है, और जिस इसके तहत जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है, जो भी अधिक से अधिक धाराएं, क्योंकि इसमें शायद पॉक्सो एक्ट भी लगेगा, लड़की उम्र नामालिक है, और ये जो बाल विवाह प्रतिषेध धाराएं लगेंगी इसमें, और जो जितनी भी धाराएं कर सकते हैं वो सारी धाराएं इसमें शामिल की जाएंगी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि लड़की को अपनी शादी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जिला प्रोबेशन अधिकारी के मुताबिक सीतापुर से 8-10 लोग शादी के लिए आए थे। फिलहाल पूरे मामले में बाल विवाह की आड़ में मानव तस्करी की आशंका से भी जांच की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मिर्जापुर से ब्रजलाल मौर्य की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।